तो दोस्तों हम लोग यहाँ पिपरा से निकल रहे हैं। तो दोस्तों आप लोग को यदि नहीं पता कि पिपरा कहाँ पे है तो आप लोग को बता दें, ये सुपौल डिस्ट्रिक्ट से 21 किलोमीटर दूर एक प्रखंड है जिसके अंदर की सखुआ गांव आता है, जहाँ पे कि हमारे सीएम नीतीश कुमार आएंगे एक पोखर का परिभ्रमण करने के लिए। तो दोस्तों हम आपको ले चलेंगे वहाँ जहाँ पे नीतीश कुमार आने वाले हैं। तो दोस्तों हमारे साथ बने रहिए। यदि आप लोग हमारे चैनल को और दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए जहाँ पे हेलीकॉप्टर उतरेगी वहाँ पे देखिए कितनी जल्दी सजावट हो रही है। दोस्तों ये आज 3 तारीख है और 5 तारीख को यहाँ सीएम आएंगे। दोस्तों उससे पहले देखिए यहाँ कितने जोर से तैयारी हो रही है। इसके बाद दोस्तों हम आप लोग को अंदर लेके चलेंगे कि कौन से पोखर का परिभ्रमण हमारे नीतीश कुमार जी करेंगे। उससे पहले दोस्तों यहाँ देख लीजिए 2 हेलीकॉप्टर उतरने के लिए बनाई जा रही है, जैसा कि दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। देखिए यहाँ पर दोस्तों पहला वाला जो कि तैयार हो गया है, इसमें सिर्फ कलर मारना बाकी है, बाकी इसमें सब काम हो गया। तो दोस्तों हमारे साथ बने रहिए। यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। दोस्तों इसके बाद ले चलते हैं आपको आगे, तो देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए मजदूर लोग काम कर रहे हैं। इसके बाद दोस्तों आप लोग को लेकर चलते हैं पोखर के पास कि कौन से पोखर का परिभ्रमण नीतीश कुमार करेंगे। तो दोस्तों ये है रास्ता जिसके ज़रिए हम अंदर जाएंगे पोखर के पास। तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे आदमी भी जा रहे हैं और साथ ही दोस्तों यहाँ पर देखिए यही है पोखर। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए यहाँ जो ये घर है, ये घर बहुत जल्दी बन रहा है दोस्तों। ये यहाँ बहुत काम बहुत जल्दी हो रहा है क्योंकि 2 दिन के बाद यहाँ पर सीएम आएंगे। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे देखिए यही है पोखर, हम पोखर को आपको जूम करके दिखा रहे हैं जिससे कि आपको पता चले। इसके बाद दोस्तों हम आप लोग को उस साइड भी लेके जाएंगे, तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ। देखिए यहाँ दोस्तों पोखर है, ये पूरा दोस्तों पोखर है, ये बहुत बड़ा पोखर है। उसके बाद दोस्तों यहाँ देखिए शौचालय बन रहा। उसके बाद देखिए यहाँ पे घास कैसे लगाया जा रहा है। दोस्तों सीएम
सीएम जो आएंगे इसके लिए देखिए यहाँ घास लगाया जा रहा है और यहाँ बहुत जल्दी से काम हो रहा है, बहुत तेज़ी से। देखिए दोस्तों यहाँ घास लग रहा है अभी। इसके बाद देखते हैं आगे क्या है दोस्तों। देखिए जैसा कि यहाँ आगे भी देखिए एक घास लग रहा है जी दोस्तों। यहाँ पर देखिए यहाँ घास लग चुकी है और देखिए यह देखने में कितनी अच्छी लग रही है। और देखिए यहाँ क्या क्या दीवार में लिखा हुआ है, हरियाली होगी जल जीवन, हरियाली होगी जीवन में खुशहाली होगी। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ भी घास लगी हुई है। तो दोस्तों चलते हैं आगे, आपको पूरा पोखर दिखाएंगे कैसा है पोखर। यहाँ देखिए दोस्तों कई सारे फूल लगे हुए हैं और यहाँ देखिए बहुत सारे लोग यहाँ काम कर रहे हैं, ये सब मजदूर है दोस्तों। और देखिए यहाँ देखिए कितनी अच्छी अच्छी फूल लगी हुई है। और दोस्तों देखिए यहाँ पे मजदूर जो है ये बोर्ड को लगा रहे हैं, यहाँ पे खोल रहे हैं और यहाँ पे बोर्ड लगाएंगे। और दोस्तों हम लोग यहाँ आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं कि और यहाँ क्या क्या हो रहा है। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ। यदि आप लोगों ने अभी तक रियल फैक्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन पर जाकर रियल फैक्ट्स को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि हमारी द्वारा दी जाने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। और दोस्तों यहाँ पर देखिए पानी में काफ़ी मछलियाँ भी हैं, छोटी छोटी मछलियाँ शायद आप लोग को दिखाई दे रही होगी। देखिए दोस्तों यहाँ पे छोटी छोटी मछलियाँ भी है। उसके बाद दोस्तों चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं कि और क्या सब हो रहा है यहाँ पे। तो सिंपली दोस्तों देखिए यहाँ पे हम आपको कैमरा चारों साइड घुमा रहे हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे जो है शायद यहाँ पे सीढ़ी बन रही है और देखिए ये काम कितनी जल्दी हो रहा है, 2 दिन के अंदर जो है ये सीढ़ी तैयार हो जाएगी क्योंकि 2 दिन में यहाँ पे नीतीश कुमार आ रहे हैं। साथ ही देखिए यहाँ पे दोस्तों रोड को भी देखिए पूरा चकाचक कर रहा है। तो दोस्तों यहाँ चलिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और देखते हैं यहाँ क्या क्या हो रहा है। देखिए दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे आदमी घूम रहे हैं, देख रहे हैं कि क्या था यहाँ सखुआ में और क्या हो गया। देखिए नीतीश कुमार के आने से कितनी सज धज गई यहाँ की धरतियाँ। पहले दोस्तों यहाँ पूरी गंदगी रहती थी लेकिन अभी दोस्तों देखिए पूरा साफ है, वृक्ष में कलर लगाए गए हैं कत्थी और वाइट कलर के। तो दोस्तों और आगे बढ़ रहे हैं हम, दिखाते हैं आपको और क्या सब हो रहा है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे ईंट गिरी हुई है, ये दोस्तों साफ हो जाएगी एक दिन में। उसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ देखिए पेंट, देखिए दोस्तों ताज़ी ताज़ी पेंट हुई है गाछी में। उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे पूरे नदी, साथ ही दोस्तों यहाँ पे देखिए बैठने के लिए, देखिए वहाँ जो आदमी खड़ा है वहाँ बैठने के लिए बनाई जा रही है, वो भी पूरा दोस्तों अभी नई है, अभी यदि इस पर बैठेंगे तो वो टूट जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पे रुके हम आपको दिखा रहे हैं वहाँ पास जाके क्या है। देखिए दोस्तों यहाँ ताजी बनी हुई है, इस पर यदि बैठेंगे तो ये टूट जाएगी। देखिए दोस्तों यहाँ 2 दिन में नीतीश कुमार आएंगे, उससे पहले देखिए यहाँ हर चीज़ बन रही है। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, तो देखते हैं आगे। और देखिए दोस्तों यहाँ पे मजदूर भी काम कर रही है और देखिए यहाँ से ईंट फेंक रही है। तो दोस्तों देखिए यहाँ एक और नई बैठने के लिए बनाई जा रही है। तो दोस्तों यहाँ देखिए बहुत जगह जगह पे ये बने हुए हैं बैठने के लिए, जो कि दोस्तों यहाँ पहले नहीं थी, अब यहाँ बन रही है। तो दोस्तों और हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग यहाँ आधा पोखर पार कर चुके हैं और ये दोस्तों बहुत बड़ी पोखर है, ये पिपरा की सबसे बड़ी पोखर है दोस्तों, इसकी खासियत ये है। तथा दोस्तों यहाँ देखिए पूरा साइड से घेर दिया गया है। और दोस्तों हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, आपको दिखाएँगे पूरा क्या है खास। देखिए यहाँ दोस्तों फिर से देखिए दोस्तों यहाँ बैठने के लिए बन रही है और ये देखिए फिर नहीं है, यहाँ देखिए दोस्तों रोड नहीं हुआ है, रोड थोड़ा बाकी है। उसके बाद दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं।
और दोस्तों देखिए यहाँ पे एक बाइक जा रही है। दोस्तों यहाँ पे कोई आम आदमी नहीं होगा, ये कोई ठेकेदार होगा जिसका कि बाइक यहाँ जा रहा है। और दोस्तों हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं कि और क्या सब हो रहा है यहाँ पे। तो देखिए दोस्तों यहाँ हम लोग बगल करते हैं कैमरा को थोड़ा साइड में। उसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ पे लड़की लोग भी जा रही है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ये आदमी देखिए कहाँ दौड़ के जा रहा है, वो कोई सामान लाने गया था। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए जैसा कि इसे जो खोला गया वो टूट गया। इसके बाद दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ देखिए दोस्तों एक बाइक लगी हुई है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए जेसीबी की खुदाई हो रही है। जी दोस्तों यहाँ जेसीबी की खुदाई हो रही है क्योंकि बगल में ये चिमनी है। यहाँ देखिए ईंट बनी हुई है, सिर्फ पकने के लिए बाकी है। तो यहाँ देखिए बच्चे लोग भी घूम रहे हैं और यहाँ मिट्टी की ढेर लगी हुई है। ये दोस्तों साफ़ हो जाएगी 5 तारीख से पहले। तथा यहाँ पे एक बाइक लगी हुई है और देखिए यहाँ आपको जूम करके दिखाते हैं जेसीबी। देखिए यहाँ जेसीबी भी वर्क कर रही है। उसके बाद दोस्तों यहाँ देखिए एक मकान बन रही है। ये मकान दोस्तों 2 दिन में तैयार हो जाएगी क्योंकि यहाँ बिहार के सीएम नीतीश कुमार आ रहे हैं और उससे पहले ये जो है बन जाएगा ये मकान। उसके बाद दोस्तों इसके आगे देखते हैं, इसके आगे भी देखिए एक मकान बन रहा है। और यहाँ पर लेबर देखिए कितने जल्दी जल्दी काम कर रहे हैं और यहाँ पर कितने सारे लेबर हैं, मतलब कि दोस्तों यहाँ मज़दूर बहुत जल्दी जल्दी काम कर रहे हैं और बहुत सारे मज़दूर यहाँ पे हैं। साथ ही देखिए यहाँ एक और घर बन रहा है और ये काम बहुत फास्ट में हो रहा है क्योंकि यहाँ परसों दोस्तों आज 3 तारीख है और 5 तारीख को यहाँ बिहार के सीएम नीतीश कुमार आएंगे। इसी में दोस्तों देखिए तैयारी कितनी ज़बरदस्त हो रही है। और यहाँ देखिए दोस्तों एक ट्रैक्टर आ रही है और इसमें ईंट है। दोस्तों देख के तो ये अच्छी क्वालिटी का ईंटा नहीं लग रहा है, जैसा कि दोस्तों देखिए आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। साथ ही दोस्तों देखिए उस साइड ट्रक लगी हुई है बाउंड्री के उस साइड, क्योंकि यहाँ पे चिमनी है। और यहाँ पे देखिए दोस्तों उतनी फूल नहीं लगी हुई है जितनी कि उस साइड लगी हुई थी। तो दोस्तों इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और लगता है दोस्तों हम लोग पहुँच जाएँगे कुछ ही देर में जहाँ से हम लोग स्टार्ट किए थे चलना। उसके बाद हम लोग देखिए आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों, लोग आपको बगल दिखाते हैं पोखर। पोखर दोस्तों ये बहुत बड़ी पोखर है, आप लोग तो देख ही रहे हैं हमको कितना टाइम लग गया है ये पोखर को पार करने में। उसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ अगल बगल बहुत सारी चीज़ें, साइकिल लगी हुई है। उसके बाद यहाँ देखिए पौधे लगे हुए हैं और इधर भी दोस्तों पेड़ को देखिए कितनी अच्छी से पेंट कर दी गई है। पूरा बगान दोस्तों देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। पहले दोस्तों यही एक गंदा रहता था लेकिन अभी जो सीएम आने वाले हैं तो इसको पूरा साफ सुथरा किया जा रहा है। और देखिए यहाँ भी मजदूर काम कर रहे हैं। तथा दोस्तों यहाँ देखिए फूल लगी हुई है और चलिए आपको दिखाते हैं यह फूल नज़दीक से जाके। और दोस्तों आप लोग यहाँ देख सकते हैं कितनी अच्छी फूल लगी हुई है, येलो फूल है, रेड फूल है और यहाँ बीच में देखिए कौन सी फूल लगी हुई है। तो दोस्तों यहाँ देखिए पोखर का नज़ारा कितनी अच्छी लग रही है दूर से। और दोस्तों यहाँ आपको दिखाते हैं पूरा पोखर का नज़ारा। तो दोस्तों अब आप कैमरे घुमा के आपको दिखाते हैं दोस्तों, ये वहाँ जहाँ सीढ़ी बन रही थी उसके बाद आपको देखिए यहाँ पूरा पोखर दिखा रहे हैं। देख के दोस्तों लग रहा होगा कितना बड़ा पोखर है। दोस्तों ये रियल में इतना बड़ा ही पोखर है, बहुत बड़ा पोखर है। ये पिपरा का और सखुआ का सबसे बड़ा पोखर है। और दोस्तों ये मकान जो बन रही थी ये भी बहुत अच्छी बहुत जल्दी से बन रही है। उसके बाद सारे लोग हमें ही देख रहे हैं दोस्तों कि आखिर ये लोग कैमरे लेकर क्या कर रहे हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दे दोस्तों, अभी तक यदि वीडियो को आपने लाइक नहीं किया। तो दोस्तों आप चलते हैं जहाँ नीतीश जी हमारे भाषण देंगे उस जगह पर। तो दोस्तों सिंपली हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों ये वो जगह है जहाँ हेलीकॉप्टर उतरेंगे और दोस्तों ये देखिए वो जगह है जहाँ नीतीश जी भाषण देंगे। तो दोस्तों हम लोग यहाँ अंदर जा रहे हैं कि क्या है खास। यहाँ देखिए दोस्तों प्रशासन की गाड़ी लगी हुई है, एसटीएम की और ये पिपरा थाना पुलिस की। और दोस्तों चलिए हम लोग दोस्तों आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों यहाँ देखिए और बहुत सारी बाइक लगी हुई है। दोस्तों यहाँ आज तो एंट्री दे रही है, 2 दिन बाद दे या नहीं दे, जब नीतीश कुमार यहाँ आएंगे तब लगता है यहाँ एंट्री बंद हो जाएगी। और देखिए यहाँ देखिए पुलिस लोग आग ताप रहे हैं। और दोस्तों हम लोग आगे बढ़ रहे हैं।
तो दोस्तों हम लोग चल रहे हैं यहाँ अंदर। यहाँ देखिए दोस्तों, ये जगह है जहाँ नीतीश कुमार जी भाषण देंगे, और साथ ही देखिए दोस्तों ये जगह है जहाँ की यहाँ के ऑडियंस बैठ के सुनेंगे इसके भाषण को। दोस्तों ये बन रही है और ये 2 दिन से पहले बन जाएगी, क्योंकि 2 दिन में यहाँ नीतीश कुमार जी आने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए कैसे बन रही है। तो आपको चलिए कैमरा ऊपर करके देखिए, यहाँ दोस्तों मजदूर लोग लगे हुए हैं काम पर। इसको दोस्तों पूरा घेरा जाएगा और इसके अंदर जो है कुर्सी लगाए। और दोस्तों ये देखिए मंच है जहाँ की वो नीतीश कुमार जी हमारे यहाँ पे भाषण देंगे। तो दोस्तों हमारे साथ बने रहिए। दोस्तों यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल रियल फैक्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन पर जाकर रियल फैक्ट्स चैनल को सब्सक्राइब कर दें लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो दोस्तों कैसी लगी आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल रियल फैक्ट्स को सब्सक्राइब करें।